कालवी नाम सुनते ही दिलो दिमाग में दो छवियां उभर आती है, पहली पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह जी की, तो दूसरी उनके पुत्र व राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह जी कालवी की। लेकिन क्या आप इस कालवी शब्द या नाम के बारे में जानते हैं? जी हाँ, कालवी नागौर जिले के एक गांव का नाम है और करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी इस गांव के निवासी हैं। आज हम आपको ले चलते हैं कालवी गांव और दिखाते हैं लोकेंद्र सिंह कालवी की हवेली, जिसे देखने की उत्सुकता हर किसी को रहती है। ज्ञात हो इस हवेली के अंदरूनी हिस्से जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वे बहुत ही कम लोगों ने देखे हैं। इस हवेली से उनके पूर्वज कालवी गांव की जागीर का प्रशासन चलाते थे। आपको बता दें, आजादी से पूर्व कालवी गांव लोकेंद्र सिंह जी के पूर्वजों की जागीर रहा है। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र शक्ति सिंह जी के वंशज कालवी परिवार की कई पीढ़ियां मेवाड़ के बांसी, जो चित्तौड़गढ़ के पास है, में रहने के बाद इसी परिवार के अनूप सिंह लगभग 400 वर्ष पूर्व मारवाड़ रियासत की फौज में आए। जोधपुर रियासत ने इस परिवार को कालवी ठिकाने की जागीर दी, जो देश की आजादी तक यथावत रही। कालवी गांव की यह जागीर और पशुपालन इस परिवार की आजीविका का मुख्य साधन रहा है। गांव में घुसते ही कालवी फार्म हाउस की लंबी दीवार नजर आती है। आगे गांव का बड़ा चौक है। जब हम कालवी पहुंचे तो कालवी पंचायत में भाग लेने आने वाले राजपूतों की गाड़ियों से चौक भरा पड़ा था। आगे कालवी हवेली का बड़ा दरवाजा है, जिसे पोड़ कहते हैं, वह नजर आया। पोड़ के बाहर लगे सामियाना में पंचायत लगी थी। लोकेंद्र सिंह कालवी का भाषण चल रहा था और वहां उपस्थित राजपूत उन्हें गंभीरता से सुन रहे थे। पोड़ के बाहर ही दोनों ओर कुछ बड़े नए नए कमरे नजर आए, जिनके बारे में पता चला कि वे कालवी हवेली पर आने वाले मेहमानों के लिए बने हैं। पोड़ के अंदर जाने पर एक बड़े चौक के बाद हवेली का दरवाजा नजर आता है। इसी दरवाजे को पार कर हमने आपके लिए वो दृश्य कैमरे में कैद किए, जिन्हें देखने का नसीब बहुत कम लोगों को मिला है। हवेली का निर्माण देखकर ही पता चलता है कि यह हवेली प्राचीन है और इसके अलग अलग भाग अलग अलग समय में बने हैं। निर्माण को लेकर हवेली में लगा एक शिलापट भी हमें लोकेंद्र सिंह जी ने पढ़कर सुनाया। संवत 1992 बैसाख शुद्धि 12 वार बुधवार जसवंत सिंह जी के द्वारा जसवंत सिंह जी के द्वारा दिए। कंप्लीट हुआ 2005 में, 1992 में शुरू हुआ था, 2005 में ये पूरा हुआ। इसी हवेली के पीछे फैला है कई सैकड़ों एकड़ का कालवी कृषि फार्म, जहां आज भी कृषि होती है। सैकड़ों मजदूर इस कृषि फार्म पर कृषि कार्य कर रोजगार पाते हैं। तो ये थी कालवी हवेली, जिसमें करणी सेना सुप्रीमो लोकेंद्र सिंह कालवी रहते हैं, और साथ ही देखा आपने उनका लंबा चौड़ा कृषि फार्म, जिससे होने वाली कृषि आय से लोकेंद्र सिंह कालवी द्वारा की जाने वाले सामाजिक गतिविधियों का खर्चा चलता है। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहें हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण के साथ। धन्यवाद।